बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम होल नंबर और डेसिमल के हवाले से डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या मैथमेटिकल प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड हैं, स्पेशली होल नंबर्स और डेसिमल का डिफरेंस क्या है, इनको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और मैथमेटिकली इससे रेलेवेंट जो इश्यूज हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले हम होल नंबर को डिस्कस करेंगे, जिसमें इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक होल नंबर को रीड कैसे करते हैं, क्या प्रोफेशनल वे है होल नंबर को रीड करने का। दूसरा, होल नंबर को वर्ड्स में राइट अप कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वे, ठीक है, जिसके ज़रिए आप होल नंबर को प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में लिखना सीख सकते हैं। होल नंबर को राउंड कैसे करते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज, क्या रूल्स हैं। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है होल नंबर्स की, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है होल नंबर्स की। देन फिर हम डेसिमल नंबर्स पे आ जाएंगे। डेसिमल नंबर्स को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, डेसिमल नंबर्स की रीडिंग कैसे होती है, और इसके अलावा अगर वर्ड्स में हमने उसको लिखना हो तो वो कैसे लिखते हैं। देन डेसिमल नंबर्स की राउंडिंग का क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए डेसिमल नंबर्स को राउंड करते हैं। देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स है, एंड दैट्स इट। अब हम आते हैं होल नंबर्स की तरफ। होल नंबर है क्या? बेसिकली वो तमाम नंबर्स जो कि डेसिमल से लेफ्ट साइड पर डिजिट्स को इकट्ठे करके बनाए जाते हैं उनको होल नंबर कहते हैं। यानी हमारे पास डेसिमल की राइट साइड होती है और डेसिमल से लेफ्ट साइड होती है, तो डेसिमल से लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स हैं वो तमाम के तमाम होल नंबर्स कहलाते हैं। द नंबर्स मेड अप ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट्स आर नोन एज होल नंबर्स। अब ये आपके सामने एक पिक्चर है, उसमें आपको एग्जाम्पलीफाई हो रहा है के होल नंबर क्या होते हैं और ये किस तरह से जो है वो बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो डेसिमल पॉइंट होता है उससे लेफ्ट साइड पे आप चलते जाएं तो ये तमाम के तमाम जो डिजिट्स हैं ये होल नंबर कहलाते हैं। इनमें एक चीज़ जो आपने अंडरस्टैंड करनी है कि डेसिमल पॉइंट्स से लेफ्ट पे जो पहला डिजिट आता है उसको हम वंस कहते हैं, ठीक है, सेकेंड डिजिट को टेंस, थर्ड डिजिट्स को हंड्रेड्स, ठीक है, उसके बाद थाउजेंड है, फिर 10,000 है, फिर 100,000 है, फिर मिलियन है, फिर 10 मिलियन है, फिर 100 मिलियन है, उसके बाद बिलियंस हो जाता है, फिर 10 बिलियंस है, 100 बिलियंस है, देन ट्रिलियन है, 10 ट्रिलियन है और 100 ट्रिलियन है। यानी ये आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपके जो नंबर हैं वो 10 से मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अब ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसको हम रीड कैसे करेंगे या इसको लिखेंगे कैसे। द अबव नंबर 581075900 इज़ रीड एज। याद रखिए, जो आसान तरीक़ाकार है वो ये कि आपने ये चेक कर लेना है कि हर तीन डिजिट्स के बाद आपने कोमा लगाना है। जैसे 581 के बाद कोमा लगा हुआ है, उसके बाद 075 के बाद कोमा लगा हुआ है, उसके बाद 900 के बाद डिजिट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो जहां पर तीसरा डिजिट आता है एक सेगमेंट का, उसमें आगे देखें कि आपके पास वैल्यू क्या है। तो ये मिलियंस में है, 581 मिलियन। तो ये पहली रीडिंग हो गई, उसके बाद आपने कॉमा लगा लेना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट रीडिंग देखनी है। तो ये 075 है, तो 5 के ऊपर जो है वो 1000 उसकी रीडिंग आ रही है, तो इट्स बिकम 75,000। उसके बाद जो लास्ट रीडिंग है वो 900 है, जो कि 100 से स्टार्ट होके 1 पे ख़त्म होता है, सो 900 ओनली, ठीक है। तो फिर ये आपकी जो है वो रीडिंग कंप्लीट हो जाती। तो ये एग्जैक्ट मेथड है, रकम जितनी भी बड़ी हो अगर आपको ये बताओ कि 1 कौन सा है, 10 कौन सा है, 100 कौन सा है, 1000 कौन सा है, तो उसको लिखना आसान हो जाता है। आगे आते हैं कि हम
होल नंबर्स को लिख कैसे सकते हैं। अब जैसे ये 7, 8, 3, 5 है, तो 5 जो है वो 1 है, 3 जो है वो 10 है, 8 जो है वो 100 है, और 7 जो है वो 1000 है, तो इट विल बिकम 7835। तो ये देखिएगा 7835, ठीक है, ये इसकी रीडिंग हो गई। इसी तरह जो नेक्स्ट नंबर है, हर 3 डिजिट्स के बाद, क्योंकि मैंने बताया था कि कोमा लगना है, तो इसको रीड करने के लिए 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 10000, अगर इसको मैं अगेन रीड करूं 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसका मतलब ये हुआ 111 मिलियन, ठीक है, और 356,075। तो ये देखिएगा यहाँ पर एग्जैक्ट वही वर्डिंग लिखी हुई है, 111 मिलियन, जो कि इसको इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट है वो मिलियंस में हो जाती है, ठीक है, 356,000, 356,000 and 075, जो के 75 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट नंबर है उसमें अगर आप देखें 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, then 1 million, 10 million, 100 million, billion or 10 billion, इट्स मीन्स 17 billion, ठीक है जी, 17 billion, और उसके बाद 17,000, 17 billion and 17,000, ये लें जी। तो ये इस तरह से, ये बड़ा एक आसान सा मेथड है, सिर्फ कुलिया आपने ये याद रखना है कि आपने इस पिक्चर को अंडरस्टैंड कर लेना है एक दफ़ा। सो जब आप इस पिक्चर को एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें, तो आप कितनी भी बड़ी रकम लिखें, कितनी भी बड़ी जो है वो आप अमाउंट लिख लें, तो आपके लिए उसको रीड करना आसान हो जाता है इफ़ यू फॉलो दिस पिक्चर, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, राउंड हम कैसे करते हैं, किसी भी होल नंबर को राउंड कैसे किया जाता है। तो नंबर्स को राउंड करने के लिए याद रखें कि आपने ये अंडरस्टैंड करना होता है कि आप उसको नियरेस्ट 10 पे करना चाह रहे हैं, नियरेस्ट 100 पे करना चाह रहे हैं, नियरेस्ट 1000 पे करना चाह रहे हैं, किस रकम पे आप उसको राउंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स टू राउंड द होल नंबर। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपने अंडरस्टैंड करने हैं किसी भी होल नंबर को राउंड करने के लिए। इसमें स्टेप नंबर 1 है कि आपने उस प्लेस को लोकेट करना है जिसको आप राउंड करना चाह रहे हो, ठीक है, लोकेट द प्लेस टू विच द नंबर इज़ टू बी राउंडेड, ठीक है, ड्रा अ लाइन अंडर दैट प्लेस। जब आप एक नंबर को लोकेट कर लें जिसको आप राउंड करना चाह रहे हैं, तो आप उसके नीचे एक लाइन लगा लें, इफ़ द फर्स्ट डिजिट टू द राइट ऑफ दैट अंडरलाइन प्लेस इज 5 or more, इंक्रीज द डिजिट इन द प्लेस टू विच यू आर राउंडिंग बाई 1, ठीक है। ये बड़ा आसान सा कुलिया है, जिस नंबर को आप राउंड करना चाह रहे हैं उससे राइट साइड वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो अंडरलाइन वर्ड में 1 डिजिट ऐड कर देंगे। अगर 7 वाला वर्ड जो है वो 5 से लेस होगा तो आपने किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं करनी। स्टेप 3 में है, चेंज ऑल डिजिट टू द राइट ऑफ द अंडरलाइन डिजिट टू 0। जिस नंबर को आप अंडरलाइन करके राउंड कर लें उसके बाद वाले जितने भी डिजिट्स हैं वो 0 करने हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। आप राउंड करना चाह रहे हो 579 को नियरेस्ट 10 पे, नियरेस्ट 10, तो इसका बड़ा आसान सा हल है, पहला डिजिट होता है 1 और दूसरा होता है 10 और तीसरा होता है 100, तो हमें इसको 10 पे राउंड करना है, मींस हमें यहाँ पे जो 10 डिजिट इसका बनता है वो 7 बनता है, तो 7 को हमने राउंड करना है, तो 7 के साथ वाला जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 58, और 58 करने के बाद जो आपने डिजिट राउंड किया है उसके बाद 0 लगा देंगे, तो ये 580 हो जाएगा। तो ये देखिएगा, लोकेट द 10 प्लेस, वो हमने प्लेस लोकेट कर ली। सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे कि
सेवन क्योंकि लोकेट हुआ था तो इसके बाद वाला फाइव या फाइव से बड़ा होना चाहिए, तो वो बड़ा है, तो हम इस सेवन में वन ऐड कर देंगे तो ये एट हो जाएगा। चेंज ऑल डिजिट टू द राइट ऑफ द प्लेस टू ज़ीरो, तो इसके बाद वाली जो अमाउंट है इसको ज़ीरो कर देंगे तो ये बन जाएगी 580। सिंपली आपने वन ऐड किया है तो 579 से 580 बन गया। उसके बाद फर्दर प्रैक्टिस के लिए ये देखिएगा 34127 को नियरेस्ट 1000 पे आपने राउंड करना है। सो 1, 10, 100 और ये 1000, तो आपने 4 को बेसिकली अंडरलाइन करना है, ठीक है, और इसके बाद देखना है 5 या 5 से बड़ा वर्ड है नहीं है जी, यानी इसके फौरन बाद 5 या 5 से बड़ा वर्ड आना चाहिए जो कि 1 है, तो इसका मतलब है ये राउंड होके 34000 हो जाएगा। तो ये देखिएगा जी, ये इस तरह से राउंड होकर आ गया। नेक्स्ट है जी 475871 टू नियरेस्ट 10000, नियरेस्ट 10000 पे हमने इसको राउंड करना है। सो 1, 10, 100, 1000, 10000, यानी यहाँ पे जो 7 है इसको राउंड करना है, तो 7 के बाद 5 आ गया, इट्स मीन यहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे तो ये 48 हो जाएगा, तो इसके बाद वाली तमाम टर्न ज़ीरो हो जाएंगी, तो ये 480000 यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। सॉरी ये 48000 लिखा गया, ये 480000 बनेगा। अच्छा, उसके बाद 79625 को नियरेस्ट 100 पे आपने राउंड करना है, तो 1, 10, 100, तो ये 6 जो है इसको हमने राउंड करना है। जब इसको राउंड करोगे तो इसके बाद वाली टर्म 5 से बड़ी होनी चाहिए जो कि नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 6 ही रहेगा, 6, 796 आगे डबल ज़ीरो लग जाएंगे, तो ये देखिएगा जी 796 हो गया। अच्छा जी, उसके बाद एडिशन हमने कैसे करनी होती है, एडिशंस के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको अगर आप अंडरस्टैंड कर लें। सबसे पहला रूल ये है कि होल नंबर को कॉलम के फॉर्मेट में आप अलाइन कर लें, यानी एक तरतीब में आप एक अलाइनमेंट में, एक कॉलम अलाइनमेंट में आप होल नंबर्स को लिख लें जिन्हें आप ऐड करना चाह रहे हैं। एडजस्ट ज़ीरो वेयर रिक्वायर टू मेक देम सिमिलर इन नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर किसी के डिजिट कम हैं किसी के ज़्यादा हैं तो जिसके ज़्यादा हैं उसके बराबर कम वाले को लाने के लिए कुछ सिफर जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे, या तो स्टार्ट में या एंड में। स्टार्ट फ्रॉम राइट एंड गो टुवार्ड्स लेफ्ट बाय कॉलम, आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, सॉरी राइट साइड से स्टार्ट करना है और लेफ्ट साइड पे जाते जाना है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपने होल नंबर को ऐड करना है 738, 63, 125, 2617 और 485, ये आपके पास तकरीबन 5 रकमें हैं और इनको हमने ऐड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये 738 आ गया, ठीक है, उसके बाद 63 है, ये 63 आ गया, उसके बाद 125 है, ये 125 आ गया, फिर 2617 है, ये 2617 आ गया, और 485 आ गया। अब इसमें जो सबसे बड़ी रकम है वो 2617 है, यानी टोटल आपके पास 4 डिजिट होने चाहिए, तो जिनके कम है उनके साथ 00 लगा लें। ये मैंने रेड में इसीलिए किया हुआ है ताकि आपको पता चले कि आपने किस में कितने सिफर ऐड किए हैं, यानी जो पहली रकम है उसमें 1 सिफर ऐड हो गया, दूसरी रकम में 2 सिफर ऐड हो गए, तीसरी रकम में 3 सिफर ऐड हो गए और लास्ट वाली रकम में 1 सिफर ऐड हो गया। अब जो स्टेप नंबर 3 है, स्टार्ट फ्रॉम राइट एंड गो टुवार्ड्स लेफ्ट कॉलम बाय कॉलम, यानी आपने राइट साइड से स्टार्ट होना है जब एडिशन करनी है, ठीक है। तो 8, 3, 11, 11 और 5, 16, 16 और 7, 23, 23 and 5, 28, तो ये 8 इधर आ गया जी, ठीक है, जबकि 2 जो है वो आगे मूव कर जाएगा, तो जो 2 है इसको 3 में प्लस करें तो 5 हो जाता है, 5 और 6, 11, 11 और 2, 13, 13 and 1, 14, 14 और 8, 14 और 8, 22 हो जाता है, तो ये 2 यहाँ पर आ गया और 22 का जो 2 है वो नेक्स्ट यहाँ पर मूव कर गया, तो 7 और 2 हो गया 9, 9 और 1, 9 और 1, 10, 10 और 6, 16 और 4, 20, ये जी 20 का 0 इधर आ गया जबकि 2 आगे मूव कर जाता है,
आगे मूव करके 2 + 2 = 4। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है एडिशन का। इसी तरह से अगर आपने सब्सट्रैक्शन करनी हो तो वही 3 steps हैं कि सबसे पहले आप होल नंबर्स को अलाइन कर लें कॉलम के फॉर्मेट में, फिर जिनमें कुछ डिजिट्स आपको कम लगें उसमें 0 एडजस्ट कर लें, और आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। अब इसमें एग्जांपल है, एक एग्जांपल है कि आप 2894 में से 3783 जो है, सॉरी 3783 में से 2894 जो है वो माइनस कर दें, और एक हमारे पास एग्जांपल है 5383 में से 163 माइनस कर दें। तो हेयर कम्स द फर्स्ट एग्जांपल, जब आप 3783 में से 2894 माइनस करना चाह रहे होते हैं, पहले इन्हें अलाइन कर लें। अगर इनके डिजिट्स बराबर हैं तो वेल एंड गुड, अगर बराबर नहीं है तो हमने एक्स्ट्रा डिजिट्स के लिए 0 रकम से पहले लगा लेने हैं। तो हमेशा जो स्टेप नंबर 3 है वो ये कहता है कि राइट से लेफ्ट आपने चलना है, यानी राइट साइड, ये वाली साइड है राइट साइड। तो 3 में से 4 नहीं माइनस हो सकता, तो यहाँ से 1 एक बारो कर लेंगे, तो 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे रह गया 7। यहाँ से अगेन एक 1 बारो करेंगे तो 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रह गया 6, 3 में से 1 माइनस करेंगे, 12 करेंगे, ये 16 हो जाएगा, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखें तो 5383 में से हमने 163 माइनस करना है, तो इसके साथ एक 0 एडिशनल लगा लेंगे ताकि ये कंपेरेबल हो जाए। तो 3 में से 3 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 0 गया 5। तो ये एक प्रोसीजर है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, वो आपको अंडरस्टैंड हो गया। नेक्स्ट हमने देखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर किस तरह से की जाती है, आप होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है, वो ये कि द नंबर बीइंग मल्टीप्लाई इज़ द मल्टीप्लिकेंट, यानी जिस नंबर के साथ आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उसको मल्टीप्लिकेंड कहते हैं, जबकि जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा होता है उसको मल्टीप्लायर कहते हैं। और इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट, द नंबर डूइंग द मल्टीप्लाइंग इज कॉल्ड मल्टीप्लायर एंड द आंसर इज़ द प्रोडक्ट। व्हेन द मल्टीप्लायर कंटेन्स मोर देन वन डिजिट partial product must be used as in the next example which shows the product of 25 and 34। अब ये देखिएगा, अगर मैं 103 को 92 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो 103 मल्टीप्लाई बाय 92, इसने ये जो partial product का जिक्र किया है इसमें कुछ product या कुछ आंसर जो है वो एज ए स्टेप वन निकलता है और कुछ आंसर एज ए स्टेप टू निकलता है, और कंप्लीट आंसर आपको स्टेप थ्री या स्टेप फोर जितनी भी आपकी डिजिट्स हों उसके अकॉर्डिंगली मिलता हुआ नज़र आता है। मतलब ये कंप्लीट प्रोडक्ट है और ये दोनों पार्शल प्रोडक्ट हैं। तो करना यही होता है कि आपने राइट से लेफ्ट मूव करना है, सबसे पहले 2 को इन तीनों डिजिट से 1 by 1 मल्टीप्लाई करना है। सो 2 3 6, 200, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, उसके बाद क्रॉस लगा के सेकंड डिजिट से हमने स्टार्ट करना है। तो 9 3 27, 2 जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। इन तीनों अमाउंट्स को आप शो कर दें, लाइक ये 6 है, ये 7 है, ठीक है, 2 और 2 4 है, और ये 9 है। तो ये एक तरीका है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, इसके ज़रिए आप कोई भी क्वेश्चन जो है मल्टीप्लिकेशन का इजीली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्दर एग्जांपल एक मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको किसी अमाउंट में 0 दिया हुआ है तो आप वक्ती तौर पे 0 को ओमिट कर दें, ठीक है, और आप यही जो है वो लेकर चलें कि आपके पास नॉर्मल डिजिट्स हैं जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं, ठीक है, उनको उसी तरीके से मल्टीप्लाई करें और आखिर में एक सिफर का इजाफा कर दें जो आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इसमें मैं एग्जांपल लूँगा कि आप 150 को 70 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सिंपली एक सिफर इसका इग्नोर कर दें और एक सिफर इसका इग्नोर कर दें, ठीक है, तो आप 150
50 की बजाय 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें। अब क्योंकि एक सिफर इसका इग्नोर किया है और एक सिफर इसका इग्नोर किया है, तो फाइनल आंसर में आपने दो सिफर का आखिर में इजाफा कर देना है जब आप आंसर निकाल लें। स्टिल आपने स्टार्ट जो है वो सिंपल डिजिट से ही लेना है, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये 105 आ जाता है। इसमें दो सिफर का इजाफा करेंगे क्योंकि ये हमने स्टार्ट में इग्नोर कर दिए थे। उसके बाद फाइनल स्टेप फॉर द होल नंबर कि डिवीजन कैसे करते हैं, डिवाइड होल नंबर, द डिविडेंड इज द नंबर बीइंग डिवाइडेड। जिस अमाउंट को आप डिवाइड करना चाह रहे हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है, जो आप किसी चीज़ में बांटते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड मींस हिस्सा, और डिवाइजर होता है जिससे आप किसी रकम को डिवाइड करते हो। उसके बाद ये क्वेश्चंट होता है, यानी जिसको आप मल्टीप्लाई करके तो डिविडेंड निकाल सकते हो। तो 15/5 इज इक्वल टू 3 क्वेश्चंट, ठीक है, यानी 15 को 5 से अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास क्वेश्चंट 3 आएगा, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है कि 1095 को 73 से आपने डिवाइड करना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, 1095 डिवाइडेड बाय 73। अब 73 टू डिजिट नंबर है, तो अंदर वाली रकम में टू डिजिट देखेंगे तो वो कम आ रहा है। तो याद रखिएगा कि जिस रकम को आपने तकसीम करना होता है वो ज़्यादा होनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसके साथ 9 भी मिला लेंगे तो ये 109 हो जाएगा। अब 17 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 73 आ जाता है, तो 109 में से 73 माइनस करें तो 36 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो बाकी बच जाएगा 109 में से 73 माइनस करें तो 36 आपके पास बच जाता है, ठीक है। और उसके बाद 5 भी उतार लें तो ये 365 बन जाता है। तो 73 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो 365 आपके पास आ जाएगा, जो कि कंप्लीट आंसर है। इस चीज़ को आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप 73 को 15 से मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास अगेन 1095 आ जाएगा। उसके बाद हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम 126 को 24 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो 126 डिवाइडेड बाय 24, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 120 आता है। तो इसमें 6 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है, 6 हमारे पास क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। इसी तरह आप इसको एज ए फ्रैक्शनल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, तो 5 and 6/24, ठीक है। आप डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो 5.25, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। इफ़ अ डिवाइजर कंटेंड ज़ीरो एट द फार राइट, अगर आपका जो डिवाइजर है उसके राइट साइड पर ज़ीरोस मौजूद हैं, फर्स्ट ड्रॉप द ज़ीरोस इन द डिवाइजर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिवाइजर के ज़ीरो ड्रॉप करने हैं, एंड देन मूव द डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड द सेम नंबर ऑफ प्लेसेस टू द लेफ्ट एट देयर वर ज़ीरोज़ ड्रॉप फ्रॉम द डिवाइजर। कि आपने उसी हिसाब से यूं समझ लें कि जितने आप डिवाइजर के ज़ीरो ड्रॉप करेंगे उतने ही आपने डिविडेंड के ज़ीरो ड्रॉप करने हैं। रिमेंबर दिस थिंग। तो आप क्या करोगे कि पहले आपके पास रकम थी 108,000, अब वो बन गई 1080, ठीक है, और पहले आपके पास डिवाइज़र था 900, अब वो 9 है, तो दोनों के दो दो सिफर जो है वो गायब कर दिए हैं। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें 9, तो यहाँ से एक बच गया, 8 ऊपर से उतार लिया, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, उसके बाद सिफर उतार लें और सिफर एज इट इज़ आ गया, ठीक है। इसको इस तरह से क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज के लेक्चर की वीडियो 1 पार्ट 1, और डेसिमल वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस पैनिडेमिक सीज़न में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।